इसमें करना है फाइंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तीनों एंगल्स की वैल्यू का सम आपको निकालना है। ये फिगर दिया हुआ है, एक्स वाई जेड क्या है, ये एक्सटीरियर एंगल्स हैं। एक्सटीरियर एंगल्स क्या, जो फिगर के बाहर वाले जो एंगल्स होते हैं उनको एक्सटीरियर एंगल्स बोलते हैं। तो इन एक्सटीरियर एंगल्स की वैल्यू का सम आपको मेजर करना है। इंटीरियर एंगल्स दिए हुए हैं आपको, टू इंटीरियर एंगल्स दिया हुआ है, तीसरा वाला आपको नहीं दिया है। तो तीसरे की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी से आप थर्ड वाले एंगल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। तीनों इंटीरियर एंगल्स मिल जाएंगे, फिर ये क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं। लीनियर पेयर्स क्या, एक लाइन पर ही बने हुए दो एंगल्स हैं, तो इनको लीनियर पेयर एंगल्स के हिसाब से इनकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखेंगे, यहाँ नेमिंग कर दें आप ए बी एंड सी इन ट्राइंगल ए बी सी। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री। ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम आपका 180 डिग्री होता है। इन दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे, ये हो गया आपका 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस एंगल सी की वैल्यू आपके पास नहीं है, वो फाइंड करना है, ये हो जाएगा 180 डिग्री। इन तीनों का दोनों का सम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 120 डिग्री प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सी इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री। तो ए वैल्यू भी आपको मिल गई, कितना है, 60 डिग्री। अब लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं, तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इस साइड में एंगल बी प्लस एंगल जेड इक्वल टू क्या है, 180 डिग्री। बी की वैल्यू कितना दिया है आपको, 30 डिग्री प्लस जेड इक्वल टू आपका 180 डिग्री। जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ इसको माइनस करेंगे तो 150 डिग्री। सेम कंडीशन आप यहाँ पर देखें तो क्या हो जाएगा, एंगल सी प्लस एंगल वाई इक्वल टू 180 डिग्री। सी की वैल्यू निकाली है अभी 60 डिग्री प्लस एंगल वाई इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, कितनी वैल्यू आ जाएगी, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 120 डिग्री। इस वाले पोर्शन में देखते हैं, एंगल ए प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, ये वैल्यू दी है 90 प्लस एंगल एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल एक्स इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 इक्वल टू 90 डिग्री। तीनों की वैल्यू आ गई है एक्स वाई एंड जेड। तो देन एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस इक्वल टू क्या वैल्यू दी है, यहाँ आपने निकाली 150 प्लस वाई की वैल्यू निकाली है 120 और ये आई है 90। तीनों को सम कर देंगे कितना होगा, 0 5 और 9 और 2 11 11 और 5 6 16 कैरी 1 की आई 1 1 2 और 1 कैरी का तो 360 डिग्री। तीनों एक्सटीरियर एंगल्स जो हैं उनका सम कितना हो रहा है, 360 डिग्री हो रहा है। सम देखेंगे इसमें, इसमें फाइंड करना है एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू की वैल्यू। ये फिगर दिया हुआ है, ये भी क्या है, एक्सटीरियर एंगल्स हैं, सेम है, केवल वहाँ ट्राइंगल दिया था, इसमें आपको क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, फोर साइड्स हैं। तो फोर साइड्स में थ्री एंगल्स दिए हैं, तो सबसे पहले आपको इस एंगल की वैल्यू निकालनी है, ए वैल्यू निकालने के बाद इनके एक्सटीरियर एंगल्स की वैल्यू निकालनी है। वही सेम प्रोसेस से निकालेंगे, ये क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं। तो सबसे पहले इनको नेमिंग कर दें, यहाँ है ए बी सी एंड डी इन क्वाड्रिलेटरल
कौन सा है, ए बी सी एंड डी, एंगल होगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री। वैल्यू पुट कर देंगे, एंगल ए की वैल्यू आपके पास नहीं है तो एंगल ए हो जाएगा, प्लस बी की वैल्यू है 60 डिग्री, प्लस सी की वैल्यू है 80 डिग्री, प्लस डी की वैल्यू है 120 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। तीनों का सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस 0 से 0 हो जाएगा, 8 to 10 66 और ये 2 इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल ए इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 260 डिग्री इक्वल टू 100 डिग्री। ये वैल्यू आपकी 100 डिग्री आ। सबसे पहले इस वाले पोर्शन में देखते हैं क्या होगा, आपका एंगल ए प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 180 डिग्री। ए की वैल्यू निकाल ली है 100, तो डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, ये इस साइड जाएगी तो माइनस 100 डिग्री इक्वल टू 80 डिग्री। दूसरे पोर्शन में देखें तो यहाँ क्या होगा, एंगल डी प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस डी की वैल्यू क्या है 120 इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री। दूसरे एंगल्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू आपकी आ गई है। इसके बाद इस तरह वाले एंगल्स में देखें आप तो एंगल वाई एंगल सी प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, सी की वैल्यू है 80 डिग्री प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, वाई इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री इक्वल टू 100 डिग्री। अब ऊपर वाले पोर्शन, अब इस वाले पोर्शन में देखेंगे क्या है, एंगल बी प्लस जेड इक्वल टू कितना 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है, बी की वैल्यू दी हुई है 60 डिग्री प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री, जेड इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 60 इक्वल टू 120 डिग्री। ए आपके चारों वैल्यू आ गई हैं। अब इनको सम निकालना है तो इनका सम कर लेंगे, तो यहाँ ऊपर एक क्या सम निकालना है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू, इनका सम निकालना है तो इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। एक्स की वैल्यू क्या निकाली थी यहाँ पर, एक्स इक्वल टू 60 डिग्री, वाई वाई की वैल्यू निकाली थी 100 डिग्री प्लस जेड जेड की वैल्यू निकाली थी 120 डिग्री प्लस डब्लू की वैल्यू निकाली है 80 डिग्री। इनको सम करेंगे, 0 0 0 से 0 आ जाएगा, 10 और 6 16 का 6 1 कैरी आई 1 और 2 3 डिग्री, ये आपका आंसर है। चारों एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री